हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह सोललैंड नोवल की समरी पर बेस्ड पार्ट 23 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, आप में से जिस किसी को भी नोवल चाहिए है वह मैसेज कर सकता है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन ने लेफ्ट लेग से डीमोनिक एक्स को रिलीज़ किया, जिससे दो एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल के डिसाइपल तुरंत ही एक्स से अलग कर दिए गए। तांगसन जानता था उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, बीवीडोंग जल्दी ही आ रही होगी। एक पॉप के साउंड के साथ तांगसन के पीछे की ओर एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन दिखाई दिया। तांगसन का राइट हैंड तुरंत ही पूरी तरह से ब्लू हो गया, यहाँ तक कि ट्राइडेंट भी ब्लू दिखाई देता है, जबकि अभी तक ट्राइडेंट के मात्र दो कलर थे, ब्लैक और गोल्डन, लेकिन अब यह चौंकाने के लिए काफ़ी है। तांगसन को पीछे से रोंग रोंग बूस्ट कर रही होती है। ड्रैगन के रोने के आवाज़ के साथ आसमान हिल उठा। सी गॉड के ट्राइडेंट के मैन ब्लेड से ड्रैगन सेफ एजोर थंडरबोल्ट एक्सप्लोड हुआ। वाइट आर्मर ड्रैगन भी अपनी एर्थ सोल टेक्निक का यूज़ कर रहा था, लेकिन एजोर ड्रैगन सेफ थंडरबोल्ट क्लैप पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ड्रैगन क्राई का साउंड गूंज उठा, इसका प्रेशर हर किसी ने फील किया। एजोर ड्रैगन उस वाइट आर्मर ड्रैगन के ऊपर जाकर चुपचाप गायब हो गया। एक ही पल में वह वाइट आर्मर ड्रैगन पूरी तरह से एजोर हो गया और हवा के तेज झोंके के साथ बिखरी हुई नीली राख में बदल दिया गया। हड्डियां भी नहीं बचीं। इस अटैक की पावर को देखकर तांगसन खुद ही चौंक जाता है। भले ही इसमें रोंग रोंग की बूस्टर पावर भी शामिल थी, एजोर ड्रैगन सेफ थंडरबोल्ट तांगसन की राइट आर्म बोन की सेकंड टेक्निक है। यह एक सिंगल टारगेट टाइप अटैक है। सी गॉड के ट्राइडेंट ने इस अटैक की पावर को इंक्रीज ही नहीं किया, बल्कि तांगसन की 30% सोल पावर भी बचाई होती है। अभी भी तांगसन सी गॉड के ट्राइडेंट को पूरी तरह से समझने की कोशिश में ही लगा होता है। तांगसन के आने के साथ केवल 10 सांसों के बराबर का समय ही गुजरा होगा, लेकिन इतने ही समय में तांगसन ने हुआन जैन और साथ ही साथ सेक्रेट ड्रैगन का एकमात्र ग्रैंड सोललैंड मास्टर को मार दिया होता है। यह तुओब सी था। यही कारण था जैसे ही बीबी डोंग ने तांगसन को देखा तुरंत ही वह भी मैदान की ओर आती है। इसी समय तांगसन ने महसूस किया उसके नीचे जमीन अचानक हिल गई है और तांगसन को लगा उसे कोई पावर कंट्रोल कर रही है। उसके तुरंत बाद काउंटलेस ब्लैक और पर्पल कलर के कांटे दिखाई दिए। आखिरकार बीबी डोंग आ गई होती है। तांगसन के अटैकों के साथ दाई मोबाई और माहुंगजुंग ने अब तक 60 रैंक के दो एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल के सोल मास्टर मार चुके थे। ऑस्कर भी दाई मोबाई के ब्लड से बनी सॉसेज की हेल्प से अटैक कर रहा था। साउबू ने भी एक वाइट आर्मर्ड ड्रैगन सोल मास्टर की गर्दन तोड़ चुकी थी। भले ही साउबू की पावर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पीछे रोंग रोंग थी। यंग बुडी का सोल ब्रेकिंग स्फीयर उतना ही भयानक था, चाहे मेमथ हो या वाइट आर्मर ड्रैगन का। कोई यंग बुडी के स्फीयर को रोक न सका। डुगोबो भी चुपके से पीछे आ जाता है, साथ ही जेड फॉस्फोर सरपेंट एम्परर का सुप्रीम पॉइजन फैला दिया। यहाँ तक इससे जमीन भी हल्के जेड कलर की हो जाती है। बूम के साउंड के साथ ट्राइडेंट ने जमीन पर जोरदार इम्पैक्ट किया, जिससे सभी कांटे चूर चूर हो जाते हैं। तांगसन इसी पल जमीन से ऊपर की ओर उछलता है। ब्लू सिल्वर एम्परर तुरंत ही गायब हो जाता है और क्लियर स्काई हैमर रेड कलर के साथ दिखाई देता है। अचानक हाथ में ब्लैक रिंग दिखाई दिए। बिना रुके क्लियर स्काई हैमर ऊपर उठ गया। मिक्स येलो और ब्लैक लाइट की एक बड़ी शॉक वेव से ब्लास्ट होता है सीधे बीबी डोंग की ओर। बीबी डोंग पहले ही डेथ स्पाइडर एम्परर के रूप में हवा में होती है। बीबी डोंग को अब सच में गुस्सा आ रहा होता है। वह ब्लास्ट सीधे ही उसकी कवच पर लगा, जो एक प्रकार से फ्रीज हो गया होता है। दोनों टैलेंड हैंड एक साथ कटे हुए थे। काउंटलेस पर्पल ब्लैक ब्लेड ने उसके सामने एक अजीब सी शील्ड को बनाया होता है, जिससे वह तांगसन के अटैक को रोक रही होती है। इसी के साथ बीबी डोंग खुद को गिरते हुए महसूस कर रही थी। तांगसन ने फिर से अपने ट्राइडेंट को पकड़ता है, साथ ही बैलेंस बनाने के लिए लगभग 10 कदम पीछे हट जाता है। इसी के साथ तांगसन ने टाइटन जाइंट एव की लेफ्ट आर्म बोन की फर्स्ट टेक्निक टाइटन फर्मेंट ब्रेकर को यूज़ किया था, जिसके लिए तांगसन ने हैमर को रिलीज़ किया, लेकिन फिर भी सोल पावर के गैप के कारण
जिस तरह से तांगसन ने सेक्रेट ड्रैगन लीजेंस के सोल मास्टर को पूरी तरह से दबा दिया होता है, उसी तरह से अब बिबीडोंग का भी इफेक्ट होता है। बिबीडोंग के साथ 8 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर होते हैं, तांगसन के साथ भी 8 ही लोग थे, लेकिन रोंगरोंग की सपोर्ट के साथ वह भी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के बराबर थे। लेकिन फिर भी वुहान एम्पायर की पावर ने हेवन ड्यू एम्पायर की पावर को दबा दिया होता है। 7 वुहान एम्पायर के सोल मास्टर ने प्रत्येक ने दाइमोबाई ऑस्कर माहुंगजुंग साओबू यांगवुडी और डुगुबो को चुना है और बाकी ने रोंगरोंग की तरफ रुख किया क्योंकि वे रोंगरोंग को नुकसान पहुंचाकर इन्हें कमजोर कर सकते थे। रोंगरोंग ने चिल्लाते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस समय रोंगरोंग 83 रैंक पर होती है जिससे वह एक साथ 8 लोगों को सपोर्ट कर सकती है। साओबू के अलावा बाकी साथ अपने ओपोनेंट का सामना कर रहे होते हैं। साओबू रोंगरोंग के सपोर्ट के बाद भी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर का सामना नहीं कर सकती है। साओबू स्विफ्ट लिटिल रैबिट में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, इसलिए अभी उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। वहीं यांगवुडी स्नैक लेंस और डुगो से ब्लूफिश दोनों ही अपने पुराने दुश्मनों से मिल जाते हैं। ब्लूफिश ने पिछली फाइट में घायल होने के बाद पूरे एक साल तक रिकवर हुआ है, अब वह डुगोवो से मिला है तो ऐसे ही थोड़ी ना जाने देगा और डायरेक्ट डुगोवो पर अटैक शुरू कर दिया। डुगोवो के छोड़े गए पॉइजन को तुरंत ही रोक दिया। दुश्मन से मिलने पर डुगोवो कुछ हेल्पलेस लगा। डुगोवो का पॉइजन लगभग 10 एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल और सेक्रेट ड्रैगन स्कूल के डिसाइपल के बीच फैला हुआ था और पूरी तरह से इफेक्ट नहीं दिखाया था। इसके साथ जेड फॉस्फोरस सर्पेंट एम्परर से भी लाइट फ्लैश हुई और सीधे ही अटैक कर दिया। रोंगरोंग पर भी एजिलिटी अटैक टाइप ग्रैंड सोल लैंड मास्टर ने अटैक किया जो कि स्पीड और अटैक में एक्सपर्ट था। उसकी स्प्रिट ब्लैक लाइन घोस्ट पैंथर की थी जो कि अपने सोल अवतार की स्टेट में रोंगरोंग पर अटैक कर रहा था। इसी समय रोंगरोंग की 9 ट्रेजर ग्लेजिटाइल पैगोड़ा की एर्थ रिंग फ्लैश हुई, ब्लैक लाइट निकल रही थी। एक ही पल में रोंगरोंग का पैगोड़ा चमक उठा, काउंटलेस ब्राइट लाइट्स कंडेंस होने के साथ साथ अचानक एक्सपेंड होते हुए फ्लैश हुई। घोस्ट पैंथर को उस फ्लैश लाइट के साथ ऐसा लगा जैसे कि वह लोहे की दीवार से टकरा गया हो और पीछे की ओर ढकेल दिया गया। रोंगरोंग की बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी, जो दिख रहा था वह 7 मीटर टेल 9 फ्लोर पैगोड़ा जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसे देखकर तो चीफ निंगफिंग जी भी हैरान थे, उनकी आंखें चमकने के साथ साथ अपनी मुट्ठी को बंद करने से नहीं रोक सके। हम उनका एक्साइटमेंट देख सकते हैं। दरअसल यह पहली बार था जब 7 ग्लेजिटाइल स्कूल का पैगोड़ा पहली बार इस स्थिति में पहुंच पाया था। इस एर्थ सोल टेक्निक को 9 ट्रीजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है। भले ही इसकी तुलना हम गोल्डन बॉडी से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यह किसी भी अटैक को रोक सकता है। 9 ट्रीजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन 9 सोल एबिलिटी के अंदर किसी भी अटैक को रोक सकता है, साथ ही साथ अटैक करने वाले के पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी के साथ यह ब्रेक होने से पहले 9 अटैक को भी झेल सकता है। इसी के साथ किसी को सपोर्ट करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए रोंगरोंग ने भी सभी से कह दिया था, कोई बात नहीं, मुझ पर ध्यान मत दो। एक तेज आवाज़ के साथ उस ब्लैक लाइन घोस्ट पैंथर सोल मास्टर को वापस फेंक दिया गया, साथ ही उसके अटैक में यूज़ की जाने वाली सोल पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया। रोंगरोंग को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काउंटर शॉक से वह घायल हो गया। वुहान एम्पायर की ओर से कुल 9 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर थे, जबकि हेवन ड्यू एम्पायर की ओर से तांगसन और डुगोवो अकेला था, जबकि तांगसन बिबीडोंग का सामना कर रहा था जो पहले ही 99 लेवल पर थी। इनकी तरफ से सबसे ज़्यादा जो अच्छे से फाइट कर पा रहा था वह यांगवुडी था, जो रोंगरोंग से बूस्ट पाने के बाद स्नैक लेंस से कम नहीं था। यांगवुडी का सोल ब्रेकिंग स्पीयर स्नैक लेंस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। इस बीच भले ही सेक्रेट ड्रैगन लीजन ने कमांडर को खो दिया था, पर फिर से उन्होंने अपनी पावर दिखाई। 10,000 सोल मास्टर युद्ध के मैदान के बीच सीधे हेवन ड्यू एम्पायर की सेना की ओर बढ़ गए, साथ ही जल्दी ही अटैकिंग रेंज में आ गए होते हैं। मार्शल जी लॉन्ग ग्रैंड मास्टर को देख रहा था। जी लॉन्ग अटैक के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने उसे रोक दिया। ग्रैंड मास्टर की नज़रें निंगफिंग जी से मिल गईं, वह भी समझ गए। एक ज़ोरदार रोने की आवाज़ के साथ अंकल स्वार्ड चैन सिंह ने छलांग लगाई। 7 किल स्वार्ड से रोशनी फट पड़ी। इसी के साथ निंगफिंग जी ने सपोर्ट लाइट दिया।
इसी के साथ वह 7 किल स्वॉर्ड 100 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी हो गई। यह दुश्मन पर अटैक करने के लिए नहीं बल्कि सेक्रेट ड्रैगन लीजन को जमीन पर से साफ करने के लिए था। निंगफिंग जी के 80% सपोर्ट के साथ वह 98 रैंक तक हो गए होते हैं, जिससे वह बीबीडोंग से फाइट कर सकते थे। आसमान से गिरती हुई इस स्वॉर्ड ने एक साथ ही पूरे 10,000 सेक्रेट ड्रैगन लीजन्स को एक साथ रोक दिया। इसके तुरंत बाद बड़े बड़े विस्फोट की सीरीज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था यह मैदान में फट गया हो। एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल और सेक्रेट ड्रैगन स्कूल के सोल मास्टर लीजन स्वॉर्ड के एक स्लैश के साथ हवा में कई दर्जन मीटर ऊंचे उड़ गए होते हैं। भले ही वह मारे नहीं गए, लेकिन जो घायल हुए उसके कारण खून का एक बड़ा बादल बन गया होता है। ठीक इसी समय ग्रैंड मास्टर ने भी अटैक का इशारा किया। तेज आवाज के साथ 10,000 से अधिक तांग आर्मी के सोल्जर एक साथ पहली बार युद्ध के मैदान पर गॉडली क्रॉसबो बोल्ट को खोल दिया। ब्लैक क्रॉसबो बोल्ट ने आसमान में एक कॉन्सेंट्रेटेड शैडो बनाई। एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल और सेक्रेट ड्रैगन स्कूल पहले से ही खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और ना ही फ्रंट साइड को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। 2 लाख के करीब क्रॉसबो बोल्ट 1 सेकंड में सेक्रेट ड्रैगन आर्मी की फ्रंट लाइन में फैल गया। इसी अटैक के साथ सोल मास्टर ने भी अपनी पावर दिखाई, जिससे यह क्रॉसबो का अटैक और भी इफेक्टिव हो गया होता है। सेक्रेट ड्रैगन लीजन बिखर गए होते हैं। सुई बांग इस पल का काफ़ी समय से इंतजार कर रहा होता है। वह अपनी मुट्ठी बंद किए हुए देख रहा था। यह देखकर तो वह गॉडली क्रॉसबो की इम्पोर्टेंट इफेक्ट को समझ गया है। इसी समय एक बार फिर से गॉडली क्रॉसबो की आवाज़ गूंज उठी। उन काले बादलों ने जैसे ही सेक्रेट ड्रैगन लीजन की ओर एंटर किए, जिससे वह हवा में एक खून के बड़े बादल के रूप में दिखाई दे रहे थे। साथ ही दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दे रही होती हैं। हालांकि सेक्रेट ड्रैगन लीजन्स की हालत अभी भी ठीक थी, क्योंकि ये अटैक टाइप के सोल मास्टर थे, जबकि एजिलिटी अटैक टाइप सोल मास्टर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वे कितने तेज हैं। गॉडली क्रॉसबो के बोल्ट से बच पाना उनके लिए नामुमकिन था। 1/3 के करीब सोल मास्टर गिर गए होते हैं। केवल हाई लेवल या जो तुरंत ही रिस्पॉन्स दे सके वह खतरे के बाहर रहे। अभी कुछ पर्सनल कारणों से 20 मिनट की डेली वीडियो देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही फिर से 20 मिनट से अधिक की वीडियो आने लगेंगी। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।